स्वागत मन के राज माइंड स्पेशलिस्ट के साथ में। जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें कैसा महसूस होता है? जब हम रोज सुबह उठते हैं और अपने आप से कुछ बातें करते हैं या जो मन में विचार आते हैं तो उससे हमें कैसा महसूस होता है? जब हम रात को सोने जाते हैं, हमारा आज का दिन कैसा रहा, मैंने क्या पाया, क्या खोया, क्या दिया, क्या लिया, अपने से दूसरों से, इसकी बेसिस पर हम अपनी जिसको कि सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं, वो डिफाइन होता है। और बचपन से जैसे जैसे हर दिन ये प्रोसेस चलता रहता है तो हमारी पर्सनालिटी जो है वो बननी शुरू हो जाती है। कभी कभी क्योंकि आज के समय में जिस तरह के जीवन हम ज़्यादातर लोग खासतौर पे बड़े शहरों में जो जी रहे हैं या अगर छोटे शहरों में गांव में भी लोग हैं जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पहुँच गई है तो कई चीज़ें लोगों की ज़िंदगी में बहुत कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से चाहे वो हमारे संबंध हैं या हमारे थॉट्स हैं या हमारी भावनाएं हैं या जो मैं चाहता हूँ वो मिला कि नहीं मिला, मैं दूसरों के मुकाबले में खुश हूँ या नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें अब बननी और बदलनी शुरू हो गई हैं एक अलग तरीके से, एक अलग माहौल में कंपेयर टू आज से कुछ साल या 10-20-25-30 साल पहले। तो आज के संदर्भ में हम किस तरह से अपने पूरे जीवन को लेकर अगर देखें तो चाहे वो मेरे मन के कुछ हिस्से हैं, सोच है, भावनाएं हैं, एक्शंस हैं, पुरानी मेमोरीज हैं, या जो हमारे संबंध हैं, या जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, जिस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, जिस तरीके से मुझे ज़िंदगी में खुशी मिलती है, किन चीज़ों में खुशी मिलती है, इन सब का आंकलन करना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि कुछ मिसिंग है और वो अगर बहुत देर तक लगता है या एक से ज़्यादा चीज़ों में लगता है या उसकी वजह से हम ज़िंदगी से ही अपना मुँह जो है वो मोड़ लेते हैं तो उसके कई तरह के भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। तो आज के समय में मैं कौन और मेरा कौन और मेरे कौन और मैं क्या कर रहा हूँ, इन सब का आंकलन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं कौन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि साइकोलॉजी में भी है, सोशियोलॉजी में भी है और स्पिरिचुअलिटी में भी है, जिसके कि कुछ तो अलग अलग मीनिंग हैं इन सब तरह के डिसिप्लिन्स में, लेकिन अल्टीमेटली मैं कॉन्शियसनेस को कहा जाता है। मेरे जो इम्प्रेशंस हैं जीवन के, अगर हम पास्ट लाइफ में विश्वास करते हैं उसके, या जो बचपन से शुरुआत जिस तरह से रही और फिर मैंने क्या क्या करने की कोशिश की और उन चीज़ों का मुझ पर क्या असर हुआ, तो वो हो जाता है मेरा कौन। और मेरे कौन में मेरा शरीर, मेरे मन, मन के सारे जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं वो सब आ जाते हैं। और फिर अगर इसको सोशियोलॉजी में देखें तो जब मेरा दूसरों के साथ एक कनेक्शन बनता है, उस कनेक्शन में अपने आप को मैं कैसा महसूस करता हूँ, क्योंकि बहुत हद तक ये भी डिफाइन करता है कि मेरा अपने बारे में आंकलन क्या है। और आज के समय में जबकि टेक्नोलॉजी एट योर फिंगर टिप्स जिसको बोला जाता है, आप कोई स्मार्टफोन ले लें, इंटरनेट पे जाएं, कहीं भी आप जा सकते हैं, आप किसी ग्रुप का हिस्सा बने और सोशल मीडिया का हिस्सा बने, वहाँ पे जिन लोगों के साथ आप कनेक्टेड रहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी सोच ज़िंदगी के बारे में क्या है, ये भी हमें डिफाइन करती है। और स्पिरिचुअली अगर हम बात करें कि मैं कौन, तो उसमें आ जाता है कि मैं यानी आत्मा, मैं किस पर्पस से
इस शरीर को लेकर, इस मन के द्वारा, इस जीवन में दूसरों के साथ अर्थ को, यूनिवर्स को क्या देने आई हूँ और क्या मैं कुछ हद तक वहाँ पहुँची हूँ या नहीं। तो जब इन सब चीज़ों का सबकॉन्शियस लेवल पे आंकलन तो होता रहता, लेकिन अगर हम उस प्रोसेस को कॉन्शियस नहीं करते, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कहीं ना कहीं हिस्सा नहीं बनाते, तो माइंडलेसली हम चलते रहते हैं और फिर एक सिचुएशन आती है जहाँ पे जो हम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, उसमें हमें खुशी, सुख, शांति नहीं मिलती। तो अगर हम उन नकारात्मक फीलिंग्स को, विचारों को कम करना चाहते हैं, फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, तो ये जो हम रोज़ महसूस करते हैं अपने बारे में, अपनों के बारे में, दूसरों के बारे में, इसका आंकलन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें पूरा दिन बिताने की ज़रूरत है। उसमें पहली चीज़ है कि मैं आज जहाँ हूँ, जैसा हूँ, उसको एक्सेप्ट कर लो। उसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ें मैं बदलना चाहता हूँ और क्या क्या चीज़ों में, इंटरेक्शन में, ख़ास तौर पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी से है, इंफॉर्मेशन से है, लोगों से है, मेरे अपने अंदर के विचारों से है, उनसे मैं कैसे बदलना चाहता हूँ, इसके बारे में आंकलन कर ले। हो सकता है तो लिख लें और एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म प्लान बना लें। तो जब हम में से हर किसी को इस तरह से अपने जीवन का आंकलन करने का तरीका आ जाता है, और मैं कहूँगा कि ये जो तरीका है, इसको तो हमें बच्चों को ही सिखाना चाहिए, क्योंकि पूरी उम्र बैकग्राउंड में ये बातें चलती रहती हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे चलती रहती हैं, और वो सबकॉन्शियस लेवल की जो मोटिवेशंस हैं या डीमोटिवेशंस हैं, वो आगे जाके डिसाइड करते हैं कि हम कितना सक्सेसफुल होते हैं या नहीं, या इमोशनली कितने स्टेबल होते हैं कि नहीं। तो ये आंकलन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और उसमें अगर आप बैठ के स्वचिंतन करना चाहें इन सब चीज़ों के बारे में, या मेडिटेशन में, अगर हम ख़ास तौर पे कुछ तरह की मेडिटेशन, जिनको हम इंट्रोस्पेक्टिव मेडिटेशन कह सकते हैं, जिसमें कि हम अपने पे फोकस करते हैं, अपने गुणों पे फोकस करते हैं, मैं कहाँ पहुँचना चाहता हूँ इस पे फोकस करते हैं, तो जब वो होना शुरू हो जाता है, तो उस मेडिटेशन में मुझे कई नए तरह के रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। क्या क्या नहीं करना है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा अपने बारे में ज्ञान होना शुरू हो जाता है, और फिर उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, इसका अगर हम एक प्लान बनाना शुरू कर लें, शॉर्ट टर्म में मुझे क्या क्या रोज़ करना है, और इन सब चीज़ों में समय नहीं लगता, इन सब चीज़ों में इंटेंशन की, वृत्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने में बदलाव लाने की। और फिर जब वो आप करना शुरू करते हैं, चाहे जो एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन है, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, वो लोग जिनकी वजह से आपको दुख मिलता है, उन सबको आप साइड पे करना शुरू कर देते हैं। मेरी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है, मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, मैं अपनी ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकता हूँ, जब इन चीज़ों पर आत्मचिंतन चलता है, तो फिर वो धीरे धीरे मैं अपने मन में धारणा बनाकर अपनी ज़िंदगी में उसको अपना सकता हूँ। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो राजयोगा मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस हैं, जिनमें ज्ञान सबसे पहले अपने बारे में किस तरह से बदलना है, इसके बारे में डील कैसे करना है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एक्सटर्नल सिचुएशंस में, उसके बारे में लोगों से किस तरह से सही रूप से चलना है, उनको भी एम्पावर करना है, खुद को भी एम्पावर करना है, विचारों को कैसे सकारात्मक एलिवेटेड बनाना है, अपनी भावनाओं को कैसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन देनी है। तो जब इसका हर समय, एक है मेडिटेशन जिसमें कि आप कंसंट्रेटेड तरीके से इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, और जब वो आपके सोचने का एक ढंग बन जाता है, जिसको कि हम मेडिटेटिव लाइफस्टाइल कह सकते हैं, जागने में भी, सोने में भी,
काम करने में भी, बात करने में भी, इंटरेक्शंस में भी, अपने बारे में भी, तो जब वो होना शुरू हो जाता है तो हमें एक गति और दिशा मिलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा अपने बारे में कॉन्सेप्ट बदलना शुरू हो जाता है, मैं एम्पावर्ड महसूस करना शुरू कर देता हूँ, और जो जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद हैं या दूसरों को दुख देती हैं उनको मैं धीरे धीरे कम करना शुरू कर देता हूँ, बदल देना शुरू कर देता हूँ, और फिर अपने द्वारा अपने आसपास को, वातावरण को एम्पावर कर सकता हूँ, और वहाँ से जो जर्नी शुरू होती है उसी जर्नी से मैं अपने को, अपनों को और पूरे समाज को मानसिक रूप से स्वस्थ बना भी सकता हूँ और उनके बनने में मदद भी कर सकता हूँ।